खुश नहीं हूँ। अंगूठी तो पहना ही दी है तुमने, मंगनी भी हो गई तुम्हारी, और घर वाले कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी भी कर देंगे। हाँ, मैं अभी अरसान के कमरे से आ रही हूँ, वो भी बहुत खुश लग रहा था। तुम खुश हो ना? अम्मी, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, जो आप लोगों का फैसला है मुझे मंजूर है, मेरी इसी में खुशी है। अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता और खुश रखे। मैंने कहीं पढ़ा था, अंगूठी या जेवर में कुछ नहीं होता, असल हुसन तो उसके पहनाने वाले की मोहब्बत में होता है, जो जेवर में छलकता है। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? क्या, मुझे क्या होना है? कुछ भी नहीं हुआ। बुखार तो नहीं है? नहीं, मैं ठीक हूँ। बुखार नहीं हुआ मुझे। लेकिन इतना खामोश और संजीदा तो मैंने कभी तुम्हें बुखार या बीमारी में भी नहीं देखा। हाँ, पता नहीं, बस एकदम थक सी गई हूँ, शायद तबीयत थोड़ी डाउन हो गई है। अरे बाबा, शादी करके इसी घर में आ रही हूँ, कहीं परदेश नहीं जा रही। तबीयत डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी शरारतें तभी वैसे ही चलेंगी जैसे अब, जब मैं तुम्हें और अरसलान को किसी अफसाने की कोई लाइन या गालिब का शेर सुनाया करूंगी। याद है उस दिन मैंने जो गालिब का शेर सुनाया था तुम्हें, कोई इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बारी लो, अभी 24 घंटे नहीं हुए साहबजादी की मंगनी के, तुम्हारा बेटा तो लगता है गया काम से। शहजादे, हमने भी मोहब्बत की थी, हमारी भी मंगनी हुई थी, शादी हुई थी हमारी, लेकिन इस तरह शादी से पहले और मंगनी के बाद खोए खोए नहीं रहते थे। जाओ ले अपनी कजन को भी, जब तक अनाया ना हो, शोर शराबा ना हो, मजा नहीं आता। जाओ ले आओ उसे। ऐसे लगते जैसे बगैर मिर्च मसाले के हलीम खा रहे हो। जाओ उसे लेके आओ, बोलो मैं बुला रहा हूं। लो भी सुंदर रेडी हो गए। उठो, सब बुला रहे हैं। वार्ता नहीं, मुझे नींद आ रही है, जो बोलना यहीं बोलो। नया, क्यों कर रही हो तुम ऐसा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं कह रही, बस मैंने कहा ना जाओ तुम यहां से। मेरी आंखों में देखो। क्यों देखूं मैं तुम्हारी आंखों में? मैं थकी हुई हूं। इसलिए मेरी आंखों में देखो ताकि मैं जान सकूं कि तुम। अच्छा तो बताओ क्या है मेरी आंखों में, मैं भी तो देखूं कि तुम्हें चेहरे और आंखें पढ़ने में कितनी महारत हासिल है। देखो, कुछ नहीं पढ़ सकते, कुछ नहीं जान सकते। अगर पढ़ सकते तो ये जान लेते कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूं। Thank you.
अरसलान, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ और कितनी शिद्दत से चाहने लगी हूँ तुम्हें। अरे भैया, अरसलान कहाँ रह गया? अनाया को बुलाने के लिए गया था, खुद भी गायब हो गया। जाओ बुला के लाओ उसे। सारा मजा किरकिरा कर दिया। आप बारी लेंगे? आप तो बस अपने लाइफ पार्टनर के लिए मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। इतनी गलती जरूर है मेरी, इतना कसूर है मेरा कि जल्दी ये जान नहीं पाया, देर कर दी मैंने। ये जान नहीं पाया कि मुझे तुम चाहिए, सिर्फ तुम। मंगनी से पहले मैं समझ नहीं पाया कि मोहब्बत क्या होती है। शायद इसलिए कि हम दोनों इतने करीब थे, इस रिश्ते को कभी समझ नहीं पाया, इस जज्बे को नहीं समझ पाया। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर सब बुला रहे हैं और ताया जान पता है कितना नाराज हो रहे हैं। चलो। हाँ। क्या बात है, तुम दोनों के दरमियान कोई लड़ाई हुई है? नहीं, कुछ नहीं। तुम चलो, हम आते हैं। तो फिर तुम दोनों यूं क्यों? अरे कुछ भी नहीं, बस कहा ना तुम चलो हम आते हैं। नहीं बाबा, ताया जान बहुत नाराज हो रहे हैं, मैं तुम लोगों को लेके जाऊंगी। चलो। सब सही चल रहा है ना? जी तारा भाई, सब कुछ बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है काम, सबकी पेमेंट हो चुकी। बस एक बात का ख्याल रखना कि काम रुकना नहीं चाहिए। जी ठीक है तारा भाई। वो जुनेद और हसन आए थे, पूरा 1,00,000 रुपया लेके गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो दोबारा भी आए, उन्हें जितने भी पैसे चाहिए हो। बस काम रुकना नहीं चाहिए। जा। मैं कभी समझ नहीं पाया कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। सुंदस मेरी दोस्त है, कजन है, बेस्ट फ्रेंड है मेरी, कि मैंने उसे कभी मोहब्बत नहीं की। मोहब्बत मैंने सिर्फ तुमसे की। क्या फायदा अरसलान, इतनी देर से जाने में बात का क्या फायदा? नहीं अनाया, इस देर की सजा मैं खुद को तुम्हें नहीं दूंगा। मानता हूं देर हो गई हमें एक दूसरे की मोहब्बत को पहचानने में, लेकिन फिर भी इतनी देर नहीं हुई। तुम्हें ऐसा लगता है अरसलान, लेकिन देर भी हो चुकी है और वक्त भी हाथ से गुजर चुका है। तुमने शायद गौर नहीं किया, तुम्हारे हाथ में मेरी मोहब्बत की नहीं बल्कि सुंदस के नाम की अंगूठी है।
नहीं, देर नहीं हुई, उतार कर फेंक दूंगा इस अंगूठी को और चीख चीख कर सबको बताऊंगा, सबको, कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं, सुंदर से नहीं। बस मैं तुमसे एक बात करना चाहता था। जी ताया जान। मैं तुम्हारी और अरसलान की शादी के बारे में सोच रहा था। मुझे बताओ तुम इस रिश्ते से राजी हो? अरे भाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं अबू, बस ऐसे। अच्छा आज हमारा बेटा बड़ा खुश लग रहा है। ऐसे मुस्कुराते रहा करो बेटा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं तुम्हारी शादी सुंदर के साथ बड़ी धूमधाम से करूंगा। क्या बात है बेटा, शादी के नाम पे कुछ परेशान हो गए? नहीं अबू, मैं परेशान तो नहीं हूँ, बस इतनी जल्दी क्या, शादी में इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाह रहे हैं? अरे मुझे तो तुम्हारी शादी बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, मैं ही लेट हो गया। तुमने हानिया पी से मेरे और अपने बारे में बात की है? अभी तो नहीं की है, लेकिन वक्त आने पर कर लूंगी। जुनेद तुम कोई काम वगैरह तो शुरू करो। क्या बात करूं मैं आप ही से और राजा भाई से कि जुनेद साहब अपने भाई की दादागिरी पर ऐश करते हैं और बस। देखो मरियम, क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं है कि मैं तुम्हें दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ? आजकल सच्ची मोहब्बत के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन काम करना भी जरूरी है। आप ही और भाई से बात करने के लिए मुझे ये बताना जरूरी है कि भाई जनाब कोई काम भी करते हैं। मैं खुद चाहती हूँ हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए, मुझे समझने की कोशिश करो। अच्छा बाबा, काम वाम भी कर लेंगे, इतने दिनों के बाद तो हुजूर का दीदार हुआ है, जी भर के देख तो लेने दो।
ओ हेलो, किन वादियों में खोए हो? तुम्हारी आंखों में खो गया। इन्हें देखकर लगता है कि सब मौसमों के रंग इन्हें कह दें। जनाब शायर साहब, लगता है भूल चुके हैं कि आपको कैद सुनाई जा चुकी है। सरकार, मैं तो हुसन के हाई कोर्ट में अपील दायर करना चाहता हूं कि मुझे इस कैद से निजात दिलाई जाए। अच्छा जी। हाँ जी। तो हुसन के इस हाई कोर्ट में इस अपील को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाती है कि इस कैद को बरकरार रखा जाए। मजाक में भी ऐसा मत कहना, मेरे पास और भी अदालतें हैं। मैं अपील करूंगा ऊपर वाले की अदालत में। मैं शहादत दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और फैसला मेरे हक में होगा। मत करो इतनी मोहब्बत, ये मोहब्बत बर्बाद कर देती है। तो कर लो मोहब्बत, कर दो बर्बाद, इसमें जीने का अपना ही मजा। इसके आगे कुछ मत कहो अरसलान, वरना मैं सूखे पत्तों की तरह जगह जगह बिखर जाऊंगी। बिखरने से पहले अपनी बाहों में समेट लूंगा। काश अगर तुम मेरे होते अरसलान। सवाल ना छोड़ो ना यार, जवाब तुम्हारे सामने। कहाँ खो गए आप दोनों? क्या राजो ने आज की बातें हो रही हैं? नहीं कुछ भी नहीं, ऐसे ही। अरे इसको क्या हो गया? पता है मेरी बेटी भी अब शादी के काबिल हो गई है। तो आपने कोई लड़का देखा है उसके लिए? लड़का तो मैंने बचपन से देख रखा है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, दोनों बहन भाई की शादी साथ ही कर देंगे। अभी भी आप दो दिन मांग रहे हैं? आपको तो दिन कितने कम रह गए? सब लोगों को इनवाइट करना, उन सब लोगों को भेजना है कार्ड बने। बस प्लीज मुझे कल तक कार्ड चाहिए प्लीज। आज राजा आता है तो मैं उससे बात करती हूँ। कोई लड़का देखे दो बोल पढ़ाए और चलता करे तुझे। तो उसे गुंडे के साथ चार कल में क्यों नहीं पढ़ा देती आप मेरे? अगर तुम ही